अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लेनो मोबाइल में स्क्रीन कलर प्रॉब्लम का सलूशन। दोस्तों देखिए, ये है लेनो मोबाइल, खुद देखिए आप। ये है लेनो के 13 नोट, देखिए। या आपने क्या करना है देखिए दोस्तों, आपने चेक करना है कि ब्लैक एंड वाइट कैसे। दोस्तों देखिए, ये सब कुछ इसमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और सेटिंग को खोलना है। सेटिंग को खोली, अब सेटिंग में आपने नीचे आना है और यह आपने खोलना है डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में अपने कलर सेटिंग ढूंढना है लाली का एक कलर। तो इसमें कुछ नहीं है, आपने इसमें कोई भी चीज़ जो है बदल नहीं करना। आपने यह एडवांस पे क्लिक करना है, यह भी आपने कुछ नहीं करना। दोस्तों आपने जाना है बैक, एक बार बैक जाना है और आपने नीचे आना है। दोस्तों यह मुख्तलिफ़ किस्म ऑप्शन है, ये सिस्टम अपडेट है, एडवांस है। यहाँ भी जो है आपने कलर का सिस्टम ढूंढना है, लेकिन यह भी नहीं है। आपने वापस खोलना है सेटिंग और नीचे यहाँ लिखना है कलर कलर, और ऊपर देखिए एक आया है करेक्शन। तो आपने ये खोलना है, देखिए ये खोले, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म ऑप्शन आया है, लेकिन आपने ये कलर करेक्शन को ऑफ़ करना है। अगर ये पहले से ऑफ है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने ऑफ़ करना है। इसके बाद आपने बैक जाना है और ऊपर सर्च में लिखना है कलर कलर एन वर्जन। देखिए कलर एन वर्जन आपने खोलना है, नीचे देखिए आली के कलर एन वर्जन, तो ये आपने ऑफ करना है। दोस्तों ये तो ऑफ हो गया, अब भी ब्लैक है, लेकिन ये ऐसा ब्लैक नहीं है, बस ये डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन है ये ब्लैक नहीं है। तो ये कैसे ख़त्म करना है दोस्तों, अब देख ये ठीक हो गया, इसका जो ब्लैक एंड वाइट है ये ठीक हो गया, लेकिन आपने ये कलर भी ख़त्म करना है। तो आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है, इस तरह स्क्रू डाउन करना है, और या आपने ये बैटरी सर्वर को ऑफ करना है। तो दोस्तों ये आपका मूड बिल्कुल नॉर्मल मूड हो जाएगा और ये सफेद कलर पे चेंज हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।